नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कई बार शहीदों की बड़ी बड़ी कुर्बानियों और उनकी यादों पर वक्त की धूल पड़ जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ है और इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इस धूल को आज साफ करेंगे और आपकी यादें ताजा करेंगे। आज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्मदिन है। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान वो शहीद हो गए थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे और जब वो शहीद हुए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। आज अगर वो जिंदा होते तो 41 वर्ष के होते और शायद उनका भी एक हंसता खेलता परिवार होता और शायद उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे होंगे। लेकिन मेजर उन्नीकृष्णन ने अपने सपनों में देश हित को सबसे ऊपर रखा। एक सुखी परिवार बनाने और आरामदायक जीवन जीने की बजाय उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। इसलिए आज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को याद करना आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अयोध्या विवाद से जुड़ी कुछ दुर्लभ तस्वीरों का आज डीएनए टेस्ट करेंगे। ये तस्वीरें आज आपको बताएंगी कि अयोध्या विवाद का ऐतिहासिक सत्य क्या है। वर्ष 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या में विवादित स्थल पर की गई खुदाई की एक रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपी थी। इस खुदाई का मकसद था ये पता लगाना कि क्या विवादित भूमि के नीचे किसी तरह की इमारत का ढांचा मौजूद है। आपको याद दिला दें कि इस खुदाई में किसी प्राचीन मंदिर के हिस्से जैसी दिखने वाले अवशेष मिले थे और उनकी तस्वीरें आज हमारे पास मौजूद हैं। आज से पहले शायद आपने ये तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। आज हमने अयोध्या के इस प्राचीन सत्य पर ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की है। भगवान राम में आस्था रखने वालों के लिए आज ये एक बहुत जरूरी खबर है। और आज ही 2018 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई है और इस बार भी रिपोर्ट में भारत के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। भारत दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक है। यहां तक कि पाकिस्तान और इराक जैसे देश भी भारत से ज्यादा सुखी हैं, भारत से ज्यादा खुश हैं। ये सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमें भी इस पर यकीन नहीं हुआ और इसीलिए हमने इस इंडेक्स का आज गहराई से अध्ययन किया। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोग इतने दुखी क्यों हैं और इंटरनेट और सोशल मीडिया किस तरह भारत के लोगों की खुशियां छीन रहे हैं। आप भी थोड़ी देर के लिए अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप खुश हैं या नहीं हैं और अगर नहीं हैं तो आप खुश क्यों नहीं हैं। और इसके बाद आज हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक की पढ़ाई कैसे होती है। आपने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें पढ़ी और सुनी होंगी लेकिन आज हम आपको भारत की सर्जिकल स्ट्राइक वाली यूनिवर्सिटी में लेकर चलेंगे। यूनिवर्सिटी शब्द को सुनकर धोखा मत खाइएगा क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जो ताकत, हिम्मत और हुनर चाहिए होता है वो किसी क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से नहीं मिलता। इसके लिए खतरनाक जंगलों में बिना कुछ खाए पिए बड़ी मुश्किल जिंदगी हफ्तों और महीनों तक बितानी पड़ती है। आज घने जंगलों से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे और उनके मन में सितंबर 2016 वाली सर्जिकल स्ट्राइक्स की यादें ताजा हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ 2019 में गठबंधन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अखिलेश ने संकेत दिए हैं कि बीएसपी से दो सीटों पर हुई दोस्ती बीजेपी को हराने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव तक बढ़ाई जा सकती है। कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं, वही व्यक्ति सफल होता है जो पुरानी बात भूल जाता है। मायावती उपचुनाव के नतीजों पर तो खामोश रही लेकिन काशीराम जयंती पर चंडीगढ़ में रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यूपी में बीजेपी के राज में दलितों का शोषण हो रहा है लेकिन दलित जाग गए हैं। गोरखपुर फूलपुर के नतीजे इसी का सबूत है। जिस दिन मैंने राज्यसभा से इस्तीफा लिया था तो उसी दिन मैंने ये भी फैसला लिया था, संकीर्ण सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में जीत से 2019 जीत की विपक्ष की उम्मीद को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। बबुआ बबुआ बुआ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, मुझे इनसे चुनौती नहीं है, चुनौती अगर है तो मैं खुद चुनौती हूँ। वही नतीजों के बाद कई गैर कांग्रेसी दल अब तीसरे मोर्चे की पैरवी कर रहे हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अररिया में आतंकियों का गढ़ बन जाने के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। राबड़ी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूरे देश के आतंकी बीजेपी के दफ्तर में बैठते हैं। राबड़ी देवी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जनता से माफी मांगे, वरना 2019 में जनता उसे माफ नहीं करेगी। सब पूरा देश भर का आतंकवादी बीजेपी का अफसर दफ्तर में बैठता है सर। अररिया के जनता सबक सिखाया है, यही से सुधरा बीजेपी। उपचुनाव में अररिया सीट पर आरजेडी की जीत के बाद गिरिराज सिंह ने कहा था कि ये क्षेत्र आतंकवादियों का गढ़ बनेगा। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के दो करीबियों कौस्तव रे और शिवाजी पांजा को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी कैनरा बैंक में 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में हुई है। कैनरा बैंक की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में आरपी इन्फो सिस्टम और उसके डायरेक्टर्स शिवाजी पांजा, कौस्तुभ रे और विनय बाफना पर दूसरे अफसरों के साथ मिलकर फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया था। बैंक का आरोप है कि इन कंपनियों ने फर्जी स्टॉक पोजीशंस और दूसरे जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के कंसोर्शियम से 515 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था। राजनयिक के उत्पीड़न के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत ने सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान ने भारत में अपने उच्चायुक्त सुहेल महमूद को बातचीत के लिए स्वदेश बुला लिया है। भारत ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के हिसाब से काम कर रहा है। उसका रिप्लाई जो है मीडिया के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, बट जो हमारा जो एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल है उसके थ्रू हम करना चाहते हैं। वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है, उसके तहत जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए और जैसे एक मिशन को फंक्शन करनी चाहिए वो सारा हमें प्रदान हो। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने राजनयिकों को पाकिस्तान में परेशान करने को लेकर विरोध जताया था। मामला बढ़ने पर अब पाकिस्तान सरकार भारत पर भी उल्टे आरोप लगा रही है। संसद की कार्यवाही आज लगातार 9वें दिन भी शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसद पीएनबी घोटाले की जांच को लेकर हंगामा करने लगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार की संसद चलने देने की अपील का भी विपक्षी सांसदों पर कोई असर नहीं हुआ। जिस भी मुद्दे पर विपक्ष बहस चाहता है, हर मुद्दे पर हम बहस करने को खुले मन से पूरी तरह से तैयार हैं। हम पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार कोशिश कर रहे हैं सदन चले। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा ने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 को मंजूरी दे दी। बिल के पास होने से अब निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर शिया नेताओं में मतभेद उभर आए हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है, में इसके हियरिंग चल रही है, तो शिया पर्सनल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। जो भी फैसला आएगा उसको हमें सर झुका के तस्लीम करना होगा। वसीम रिजवी ने अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिद बनाए जाने का फॉर्मूला दिया था। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में वसीम रिजवी ने आज फिर अपने सुलह के फॉर्मूले को सही बताया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीजेपी नेता अनवर खान पर आतंकी हमला हुआ। हमले में अनवर खान बाल बाल बच गए। अनवर खान पर उस समय यह हमला किया गया जब वो बलहमा इलाके से अपने दो सुरक्षा कर्मियों के साथ गुजर रहे थे। हमले में अनवर खान के एक सुरक्षा कर्मी को गोली लगी है। हमले में 2 से 3 आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को घेर रखा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं और उनके साथ मुठभेड़ जारी है। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के मानहानि केस में ऑनलाइन पोर्टल द वायर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अपनी जीत बताया है। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ हो गया है कि जय शाह के मामले में द वायर ने गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की और उसकी मंशा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने द वायर को जय शाह मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन मीडिया से पवित्रता की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसे कुछ भी लिखने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। जय शाह ने द वायर के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया था। द वायर ने जय शाह की कंपनी के टर्नओवर पर सवाल खड़े किए थे। पिछले महीने गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक साजिश का मुकदमा खारिज करने की द वायर की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने द वायर को जय शाह और उनकी कंपनियों पर रिपोर्टिंग करने से भी रोक दिया था।
दाऊद इब्राहिम के साथ ही फारूक टकला के पासपोर्ट रिन्यू विवाद पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2011 में तत्कालीन अधिकारियों ने उस वक्त की प्रक्रिया का पालन किया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उस वक्त भारतीय दूतावास के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि फारूक टकला का पासपोर्ट रिन्यू न किया जाए। फारूक टकला को दुबई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। टकला का पासपोर्ट 2011 में 24 घंटे के भीतर रिन्यू हो गया था। उस वक्त पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया से माफी मांग ली है। मजीठिया ने कहा है कि वो भी मानहानि केस वापस ले लेंगे। केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स का धंधा करने का आरोप लगाया था। माफीनामे में उन्होंने लिखा, मैं जान गया हूँ कि सारे आरोप निराधार हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर लगाए सभी आरोप और बयान वापस लेता हूँ। आपसे माफी भी मांगता हूँ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज गिवन अ रिटन अपोलॉजी इन द कोर्ट सेइंग एंड टेकिंग द एलिगेशंस एंड स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 20 से ज्यादा मानहानि केसेस हैं। नेताओं का काफी वक्त कोर्ट जाने में बर्बाद हो रहा है। डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल पर मानहानि केस किया हुआ है। इसमें दो वकील केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। सीबीएसई ने दिल्ली में 12वीं बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर लीक होने की खबरों को खारिज किया है। छात्रों का दावा है कि ये हूबहू पेपर आज सुबह उन्हें व्हाट्सएप पर मिला। ये जो पेपर है ये लीक हो गया, आप लोगों को पहले से जानकारी थी इस बारे में क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पता था लेकिन इतना कंफर्म नहीं थे हम लोग। दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत की और बाद में जिन्होंने नहीं की उनको भी उतना ही मिल रहा है, हमें भी वही मिल रहा है। लेकिन सीबीएसई ने कहा कि परीक्षा से पहले पेपर लीक नहीं हुआ। ये संभव है कि परीक्षा के दौरान किसी ने पर्चे का फोटो खींचकर सर्कुलेट किया हो। सीबीएसई ने पुलिस जांच और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही है। मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच में एक और घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने बैंक में 9 मार्च को छापेमारी की थी। पूरी जांच के बाद आज सीबीआई ने इस घोटाले की जानकारी सार्वजनिक की। सीबीआई की जांच में 9 करोड़ 9 लाख रुपए की नई जालसाजी सामने आई है। पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच ने चंदेरी पेपर एंड अलाइट प्रोडक्ट्स कंपनी को फर्जी तरीके से 2 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए थे। इन एलओयू की मदद से कंपनी ने एसबीआई से बेल्जियम में पेमेंट करवाई थी। सीबीआई ने इस नए फ्रॉड केस में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में भी वही कर्मचारी आरोपी है जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें कई बार तारीख और दिन याद नहीं रहते, लोगों के फोन नंबर याद नहीं रहते, यहां तक कि हम कई बार अपने ही परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण अवसरों को भी भूल जाते हैं। इसलिए आप में से ज्यादातर लोगों को यह याद नहीं होगा कि आज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्मदिन है। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान वो शहीद हो गए थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे और मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में उन्होंने 14 बंधकों की जान बचाई थी। जब वो शहीद हुए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी और अगर आज वो जिंदा होते तो 41 वर्ष के होते और शायद उनका भी एक हंसता खेलता परिवार होता। शायद उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे होंगे, लेकिन मेजर उन्नीकृष्णन ने अपने सपनों में देश हित को सबसे ऊपर रखा। एक सुखी परिवार बनाने और आरामदायक जीवन जीने की बजाय उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। इसलिए आज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को याद करना जरूरी है। आज जब हम दिन में रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक प्रेरणादायक संवाद के बारे में पता चला। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता ने उनसे ये सवाल पूछा था कि तुमने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया। ये एक माँ बाप अपने बेटे से पूछ रहे हैं। इसके जवाब में मेजर उन्नीकृष्णन ने कहा था कि एक इंसान को भारतीय सेना में जैसी इज्जत मिलती है, जैसा सम्मान मिलता है, वो उसे कहीं और नहीं मिल सकता। इस विचार से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिल में भारतीय सेना के लिए कितना प्रेम था। खास बात यह है कि संदीप उन्नीकृष्णन ने सेना के सबसे मुश्किल कोर्स में टॉप किया था। इस कोर्स को घातक कोर्स कहते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने भारत से उसका यह कीमती और शानदार सैनिक हमेशा के लिए छीन लिया। एनएसजी के अधिकारियों के मुताबिक मेजर उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। यानी वो दूसरों की जान बचाते हुए खुद आतंकवादियों से लड़ रहे थे और अपना फर्ज निभा रहे थे। संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी के लिए उन्हें 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।
वर्ष 2008 में उनकी शहादत के बाद से लेकर अब तक देश ने उनकी जिंदगी, उनकी वीरता की कई कहानियां सुनी है। कई माँ बाप तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस शहादत से प्रभावित होकर अपने बेटों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत के बाद लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं। इस वक्त में भारत इस दौर में बदल चुका है। यह दौर डिजाइनर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और भारत में मौजूद पाकिस्तान के राजदूतों का दौर है। सेना की आलोचना करना इस डिजाइनर गैंग का परम धर्म बन गया है, बड़ा फैशनेबल हो गया है। ये वो लोग हैं जो कभी सेना को बलात्कारी बताते हैं तो कभी ये कहते हैं कि जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती वो सेना में चले जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सैनिकों का तो काम ही है शहादत देने का, इन्हें किसी भी देशभक्ति और बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग शब्दों के बड़े बड़े टैंक्स को सैनिकों की छाती पर चढ़ा देते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र के खतरे जैसे शब्दों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वैचारिक प्रदूषण के बीच आज संदीप उन्नीकृष्णन के बलिदान को याद करना जरूरी है। हमने आज अपनी लाइब्रेरी से उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें और उनके माता पिता की कुछ भावुक बातें आपके लिए निकाली हैं जो आपको मेजर उन्नीकृष्णन के और करीब लेकर जाएंगी। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। संदीप, हमारा सब कुछ था। वो तो एक साधारण आदमी नहीं थे हमारे हिसाब से। मे बी अनदर पर्सन, नो पैट्रियट, और ही वॉज ऑल इन वन। मेरा सब कुछ खो गया मैं तो। लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं है ना, संदीप गया है, ऐसा ही मेरा सब कुछ गया है, सब कुछ। रेडियो में गीत गाने के टाइम मैं संदीप इस तरह डांस करता था। सभी चीज़ों के लिए संदीप को कुछ मन में था, ये क्या मम्मी, ये इस तरह क्या है, ये इस तरह इसका शेप या क्यों इस तरह भगवान कर दिया, इस तरह ज़्यादा सोचा था संदीप। कुछ भी हमें नहीं पता था। मुंबई में वो फाइटिंग कर रहे थे, उसे भी, उसको भी, उसके भी जहाज में कुछ भी नहीं पता नहीं था। एंड अबाउट 11:15 ही कॉल्ड मी, दैट मींस ही हैड नॉट स्टार्टेड देन। आई सेड, सी मैं तो सोने वाला हूँ, क्यों क्यों ऐसा मुझे डिस्टर्ब करते हो तुम, यू लेजी बग, यू गो डाउन एंड देन सी व्हाट्स द मूवी, समथिंग स्पेशल इज गोइंग ऑन एंड दिस टाइम इट इज वेरी स्पेशल, बट आई वाज नॉट नोइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी दिस स्पेशल। किसके लिए किया है उसने, किसके लिए किया है, ताज के लिए किया है? तो भारत के लिए एक संदीप ही था ना, ही कैनॉट डू एनी मच मोर देन दैट, नो सी ही हैज डन हिज मैक्सिमम, बट इट शुड नॉट बी वेड विद मनी और दिस थिंग, इट शुड बी विद प्राइड। फौज की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग घातक में आप अव्वल रहे। जब मौका आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का आया, तब आप आतंकवादियों के लिए घातक साबित हुए। होटल ताज में बंधकों को छुड़ाने में लगे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं इनसे निपट लूंगा। आतंकवादियों ने कमरे में कुछ महिलाओं को बंधक बना लिया था। जैसे ही आपकी टीम ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा, गोलियों की बौछार में आपका साथी जख्मी हो गया। मिशन की कमान आपने अपने हाथों में ले ली। आपके हौसलों का सामना करने की हिम्मत आतंकवादियों में नहीं थी, इसलिए पीठ पीछे वार किया।
और आप शहीद हो गए। संदीप उन्नीकृष्णन, आपकी बहादुरी, बुलंद हौसले और महान बलिदान को जी न्यूज का सलाम। टुडे बाय हियरिंग हिज ग्रुप कमांडेंट्स दैट इज 51 एसएजी कमांडेंट वर्ड्स टुडे आई वाज शॉक्ड टू हियर व्हिच वाज नॉट नोन टू मी टिल टुडे. He said, I am going back by 2 years in training because Sandeep was the best trainer NSG has ever seen. That was the words which was shocked me, and I was not knowing all these things. Sandeep has not been telling all these things to me, leave alone my personal loss, the country's loss or whatever it is. So NSG commandant was telling, he is going back by 2 years in training and then I have to pick up from zero. So that is the great loss we are suffering. हमारे देश में लोगों को फिल्मी सितारों के जन्मदिन याद रहते हैं, क्रिकेटर्स के जन्मदिन याद रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जन्मदिन याद रहते हैं, लेकिन शहीदों के जन्मदिन किसी को याद नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा कल फिल्म एक्टर आमिर खान का जन्मदिन याद था, सब कल उनका जन्मदिन था और सबको उनका जन्मदिन याद था, पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा था। ऐसे ही आज आलिया भट्ट का जन्मदिन है और लोग उन्हें भी बधाई दे रहे हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आमिर खान का जन्मदिन नहीं मनाया जाना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा अभिनेता है, उनका जन्मदिन सबको याद रहना चाहिए, लेकिन मेजर उन्नीकृष्णन का जन्मदिन भी किसी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने आप सबके लिए, हम सबके लिए, इस देश के लोगों के लिए ही अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इसलिए हमें उनका जन्मदिन भी याद रखना चाहिए हमें, और उनके बारे में भी सोचना चाहिए, और यही जो सोच है ये हमें बदलनी होगी। और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1977 में हुआ था। संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेना में मेजर थे और एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे। नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमलों में आतंकवादियों से लड़ते हुए संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए थे। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान मुंबई के ताजमहल होटल में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने 14 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी के लिए उन्हें 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और खास बात यह है कि संदीप उन्नीकृष्णन ने सेना के सबसे मुश्किल कोर्स में टॉप किया था। इस कोर्स को घातक कोर्स कहते हैं। वर्ष 1992 में आज मशहूर लेखक और उपन्यासकार राही मासूम रजा का निधन हुआ था। आधा गांव, दिल एक सादा कागज और ओस की बूंद उनके लिखे कुछ मशहूर उपन्यास हैं। राही मासूम रजा ने ही मशहूर टीवी सीरीज महाभारत के लिए स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे थे। डॉक्टर राही मासूम रजा ने कई हिंदी फिल्मों के लिए पटकथा और डायलॉग्स भी लिखे थे। आज टेस्ट क्रिकेट के 141 साल पूरे हो गए हैं। पहला टेस्ट मैच आज ही के दिन वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीत लिया था। और आज अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। वर्ष 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा पर पहला भाषण दिया था। इसे एक ऐतिहासिक भाषण माना जाता है और कैनेडी के उसी भाषण से प्रेरणा लेकर 15 मार्च 1983 को पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। इस वर्ष वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम है डिजिटल दुनिया को उपभोक्ताओं के लिए और बेहतर बनाना। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जिंदगी की असली खुशी आपके स्मार्टफोन के अंदर नहीं बल्कि आपके परिवार और समाज में है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।